बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ गुलशन, गुलशन खाना खजाना में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है फ्रेंड भिंडी दाल। भिंडी दाल की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, आप इसे चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं भिंडी दाल की रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है भिंडी, 500 ग्राम भिंडी है ये। इस तरह से मैंने इसे कट किया है थोड़ा सा तिरछा में, और इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के। और ये हैं कुछ स्पाइसेस, तो चलिए मैं आपको डालते डालते बता दूंगी इसकी क्वांटिटी। तो फ्रेंड, एक कढ़ाई लेकर मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है और यहाँ पे ऐड किया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये। इसे हल्का सा तड़कने देना है, फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखना है। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन है और 1/2 टीस्पून अदरक है, उसका पेस्ट मैंने बना लिया है। इसे बस हमें आधे मिनट इसी तरह भूनना है। और फिर इसमें जाएगा 1 टमाटर और 1 प्याज का पेस्ट, इसे भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे अच्छे से, फ्लेम को थोड़ा हमें हाई करना है। 2 मिनट तक मैंने प्याज और टमाटर डालने के बाद भून लिया है फ्रेंड। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गोलकी है हमारे पास, काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। ये सारी स्पाइसेस जो है इसमें ऐड कर देना है। इसे भी डाल के हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब हमें प्रॉपर मसाला भूनकर तैयार रखना है, कंप्लीट भून लेंगे हम मसाले को। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाला बहुत ही अच्छे से भुना चुका है, आप इसके ऑयल भी रिलीज़ होते हुए देख रहे होंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी, जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा था। भिंडी डालने के बाद हमें अच्छे से इसे 2 मिनट तक भूनना है, इसी तरह फ्लेम को मीडियम रखकर। अगर आपके मसाले नीचे में लग रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पानी डालकर भून सकते हैं। देखिए मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसालों के साथ भिंडी जो है वो अच्छे से भुना जाए। जब ये भुना जाएगा तो हम इसमें दाल ऐड करेंगे, क्योंकि हम भिंडी दाल बना रहे हैं तो दाल तो इसमें जाएगा ही जाएगा। मसालों के साथ फ्रेंड भिंडी को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें टाइम है दाल मिक्स करने का। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है चने की दाल, जिसे मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉयल कर लिया है। ये अच्छे से गल चुका है और अब हम इस दाल को ऐड करेंगे भिंडी में, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखा है मसालों के साथ। ये दाल है फ्रेंड चाय वाली कप से 1 कप, 500 ग्राम भिंडी में चाय वाली कप से 1 कप दाल हमने ऐड किया है। तो जी फ्रेंड, अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी भिंडी के साथ दाल और थोड़ा गल जाएगा और थोड़ा मैशी सा हो जाएगा, इससे ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। देखिए अभी जब दाल गलेगा और भिंडी गलेगा हमारा, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आपको जितनी इसकी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे नमक ठीक है भिंडी में। तो फ्रेंड, जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, अभी फ्लेम हाई है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे गलाऊंगी जब तक ये गल नहीं जाता। ये देखिए फ्रेंड,
करीब मैं 15 से 18 मिनट के बाद लीड हटा रही हूँ। बीच में मैंने एक बार चलाया था, ये देखें ये बहुत अच्छे से, और फ्लेम मैं बता दूँ आपको कि फ्लेम बिल्कुल लो है। ये दाल देखिए कितने अच्छे से गल चुका है और भिंडी भी गल गया है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें भिंडी भी गल चुका है। चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं भिंडी दाल की रेसिपी को सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड, भिंडी दाल की रेसिपी हमारा बनकर तैयार है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे चावल के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ है। ये सिंपल सी रेसिपी है, सब्ज़ी है, दाल है, कोई नुकसान नहीं है इसमें, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गुलशन खाना खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको मेरी ये बताने की मेथड कैसी लगी, और आप मेरे बताए हुए मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। फ्रेंड, एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जो व्यूवर्स मेरे वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।